राजस्थान के रण में अब सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब पार्टी की अनुशासनहीनता की हद तक पहुंच गई है। नतीजतन दिल्ली से राजस्थान गए दो केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे खाली हाथ वापस लौट आए हैं। दरअसल इन दोनों पर्यवेक्षकों से गहलोत गुट के विधायक मिलने नहीं गए, जबकि पर्यवेक्षक एक एक विधायक से अकेले मिलकर बात करने को तैयार थे। ऐसे में बात तो नहीं हुई, लेकिन बवाल जरूर खुलकर सामने आ गया। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए, तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कारण। अशोक गहलोत गुट के विधायकों का एक सुर में कहना है कि वो सचिन पायलट को सीएम नहीं मानेंगे। शांतिलाल धारीवाल के घर में विधायकों की बैठक हुई और उन्होंने सचिन पायलट की दावेदारी से इनकार किया। अब इन विधायकों को इंतजार है आलाकमान के अगले कदम का। आज तक हमने पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता करना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोची है। हमारी बात को अगर अनुशासनहीनता के रूप में अगर लिया जाता है तो जो नोटिस हमें मिलेगा उसका हम जवाब दें। हाईकमान का अधिकार है, हमसे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, हमसे किसी प्रकार की सफाई मांग सकता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हाईकमान अगर हमसे स्पष्टीकरण मांगता है तो पूरे सम्मान के साथ उसको स्पष्टीकरण हम हाईकमान के सामने पेश करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में चल रही सियासी उत्तराधिकारी की रस्साकसी पंजाब की तर्ज पर आगे बढ़ेगी। जिस तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के फैसले के बाद इस्तीफा दिया था, क्या कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी संकट आने वाला है या आ चुका है? जिम्मेदारी क्या मिल रही है? चुनाव ओपन है, कोई लड़ सकता है उसको। पद भी आप संभाल सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, अभी जो मैंने कहा वही बात है। मेरे लिए अब जो है, मेरा बस चल रहा है, मैं एक पद भी नहीं संभालूं, मैं राहुल गांधी के साथ यात्रा करूं, मैंने बता दिया आपको। बाकी जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। चुनाव चुनाव है तो ये तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई दो पद, एक व्यक्ति दो पद लागू नहीं होता फॉर्मूला यहाँ पर। अभी तक गहलोत ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस के वफादार हैं और पार्टी आलाकमान उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो स्वीकार करेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले और राहुल गांधी से कोचिन में भी मिले, लेकिन सचिन पायलट को कुर्सी सौंपने के हाईकमान के फैसले के खिलाफ गहलोत कैंप के विधायकों ने अच्छा खासा बवाल काट दिया। अशोक गहलोत के गेम प्लान ने न सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नाराज कर दिया बल्कि बागी तेवरों ने आलाकमान को भी चौंका दिया। अशोक गहलोत की इस बगावत का इल्म किसी को भी नहीं था। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान तक विधायकों के जरिए ये संदेश पहुंचा दिया कि सचिन पायलट को लेकर कोई राजी नहीं है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों अशोक गहलोत सीपी जोशी को लेकर फील्डिंग कर रहे हैं। दरअसल सीपी जोशी ने ही सचिन पायलट की बगावत के समय बागी विधायकों को नोटिस भेजा था। इतना ही नहीं, सीपी जोशी को अशोक गहलोत के बेटे को राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी भूमिका देने के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। बहरहाल इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से उस स्थिति में है कि वो न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस अगर अशोक गहलोत की बात मानती है तो सचिन पायलट अपनी टीम लेकर अलग हो सकते हैं और गहलोत सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो फिर राजस्थान में महाभारत होना तय है। खास बात ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान ने यह कहा है कि 19 अक्टूबर के बाद ही राजस्थान की सीएम की कुर्सी का फैसला होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो वो बतौर अध्यक्ष राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं। देखने वाली बात होगी तब गांधी परिवार का फैसला माना जाएगा या फिर कांग्रेस के नए अध्यक्ष का।